यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे एकदम दर्शक वाले हैं जी। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा, तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि भाई यहाँ पर जो हिटमैन है वो भाई भाग करके कायो पैरी को आ चुका है। अब भाई सभी इस हिटमैन ने ऐसे ऐसे कारनामे करे हैं ना लॉस सैंटोस के अंदर। सबसे बड़ी बात, इसने लेस्टर के ऊपर अटैक किया है। अटैक तो क्या भाई, इसने लेस्टर को एक तरीके से मार दिया है। अभी तक भाई मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि लेस्टर जिंदा है या मर गया है, लेकिन इसके साथ अभी टॉमी है और टॉमी ये बोल रहा है कि माइकल देख, जब तक हिटमैन मेरे साथ है तब तक तू हिटमैन को कुछ भी नहीं कर सकता। बेटर टॉमी, तू हिटमैन का साथ दे करके बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहा है। मैं मानता हूँ तू फिलहाल के लिए अभी कायो पेरी को आइलैंड में है, लेकिन एक बात याद रखियूँ, मैं वापस ज़रूर से आऊँगा। और हाँ, टॉमी अपना इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन मैंने टॉमी को अभी माफ़ कर दिया है। टॉमी भाई साहब ये बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मरने वाला है। ये भाई मेरे पास आया था मेरी याच को उधार मांगने के लिए, तब भाई मैंने इसको जो ना अपनी आज उधार के लिए दे दी थी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए गाइस यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ, क्योंकि ना तो है मेरे पास अभी आर्मी, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं है कि अगर यहाँ पर मैंने वॉर को स्टार्ट कर दिया तो भाई मेरी आर्मी आएगी नहीं आएगी, यहाँ पर मैं मारा जा सकता हूँ। और हाँ भाई, यहाँ पर जो टॉमी है वो मेरे से बोल रहा है कि माइकल तू अपनी याच को लेकर के जा सकता है। वो तो भाई मैं लेकर के जाऊँ यार, सीधी सी बात है। जब भाई साहब इतना बड़ा गद्दार निकला ये, और भाई मैं इसका कब से दोस्त हूँ, ये भाई मेरा साथ ना दे करके हिटमैन का साथ दे रहा है, अलग ही सीन है। चलो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर अपनी याच को लेकर के चलते हैं। अपनी इतनी ज़्यादा बड़ी है ना ये याच, बस मैं क्या ही बताऊँ यार। बेटा टॉमी याद रखियो, मैं वापस जरूर से आऊँगा और तेरी ऐसी की तैसी करूँगा। गाइस मैं सही बता रहा हूँ, इसकी मैं बुरी हालत कर दूँगा मारते मारते। अभी फिलहाल के लिए अपनी याच को लेकर के चलते हैं। ये पूरे लॉस सैंटोस में सिर्फ और सिर्फ एक याच है जो कि मेरे पास है और अभी तक किसी के पास नहीं है। चलो लेकर के चलते हैं। और हाँ गाइस, आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो फटाक से कंप्लीट करा देना। तो गाइस आप लोग ये मत सोचना कि भाई ये जो याच है ना ये बस दिखने में ही ऊपर चलती है पानी के, ये पानी के अंदर भी चल सकती है, देख रहे हो, तभी भाई ये कमाल की है। और हाँ, फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सीधा लॉस सैंटोस, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम है। मेरे को पहले अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि वो जो टॉमी नमून है ना, वो हिटमैन को भाई घूस घूस दे करके क्या पता मेरी फैमिली के ऊपर ही अटैक ना करवा दे। क्योंकि अभी जो है ना, मैं टॉमी को धमकी दे करके आया हूँ कि भाई साहब तेरे यहाँ पर घुस करके, वैसे कायो पेरी को उसका नहीं है, उसने भाई साहब हथियार लिया है, एल रूबियो का है वैसे तो वो। चलो कोई नहीं, अभी एक तो भाई यहाँ पर जो ना बीच बीच में पता नहीं ये क्या लगा रखे हैं यार, साइड साइड में देखो, मुझे लग रहा है ये बोटों के लिए लगा रखे होंगे। भाई मेरी आज इतनी ज़्यादा बड़ी है, ये लोग परेशान हो जाते होंगे कि भाई ये सब ये है किसकी। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरी याच को ख़रीदने की कोशिश करी है, लेकिन भाई मैंने उनको सेल ही नहीं करी है। इसका देख रहे हो इंटीरियर, देखो यार इसका एक नंबर का है। बाकी मेरे को निकलना पड़ेगा जल्दी से घर के लिए। और हाँ, सबसे पहले काम मेरे को ये करना है कि मैंने अपनी जो गाड़ियाँ थी ना, जो लग्जरी गाड़ियाँ थी, वो लमार के एक दोस्त के घर में खड़ी कर दी थी जब भाई मेरी लड़ाई हो रही थी, वो भी पुलिस वालों से। तो अभी टाइम आ चुका है अपनी गाड़ी को वापस चलाने का। और नीचे कह जाऊँ यार मैं, तो भाई अभी जो ना मैंने एक बलास वाले को कॉल कर दिया है, क्योंकि एक बंदा है जो कि भाई मेरी याच की सिक्योरिटी करता है। अगर कोई भी बंदा आता है इसको देखने के लिए या कुछ भी सीन होता है, तो भाई वो जो बलास का बंदा है वो मेरे पास कॉल कर देता है। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, इसी को लेकर चलते हैं चुपचाप। किसी ने देखा तो नहीं ना, अगर किसी ने देखा भी होगा तो हमारा क्या उखाड़ लेगा भाई। अब भाई साहब नमूना बना बना के मारूँ, हाँ अभी चलते हैं अपने घर के लिए। ओ नेता नेता नेता, एक सेकंड भैया मेरे को निकलने दो यार, क्या कर रहे हैं भाई यहाँ के लोग, मुझे लग रहा है सस्ते नशे करके घूमने लगे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट की तरफ गाइस एक टाइम पर अपना शोरूम हुआ करता था, भाई जब फ्रैंकलिन प्रेसिडेंट था ना, तब भाई साहब उसने बंद करवा दिया था वो शोरूम, उसके ऊपर रेड करवा दी थी। जब से भाई ये वाला जो शोरूम है ना, इसके अंदर मैं गया ही नहीं हूँ। अब नमूने थोड़ी सी लग्जरी गाड़ी क्या ले ली है, चमका रहा है क्या मेरे सामने, बना दूँ अभी नेता। तो मैं आ चुका हूँ अभी जिमी के घर पर। वैसे पता होगा आपको कि ये जो घर है ना, ये भाई मैंने जिमी को गिफ्ट कर दिया है, क्योंकि भाई साहब माइकल दादा बन चुका है यार, आराम से लगाते। और लो, मैं तो अभी नमार के पास कॉल करने वाला था कि भाई मेरे को मेरी गाड़ियाँ चाहिए, तेरे दोस्त के पास खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ, भाई मेरी गाड़ियाँ आ भी चुकी हैं। और एक हाँ, वो रही गाइस जेस को, ये बंदा कौन था यार। अबे भाई साहब कोई भी आकर के हमारे घर में घुस रहा है, अबे भग गया क्या, नेता बना देता भाई अभी क्या अभी उसका। बाकी भाई मेरे को जो ना अपनी जेस्को को देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लैम्बोर्गिनी उरुस भी है साथ के साथ, लैम्बोर्गिनी ये कौन सी है भाई, हुरा कहने आई थिंक। चलो मैं निकलता हूँ गाइस अपने पीछे की तरफ। और हाँ, आप लोगों को पता हो कि भाई जिमी का एक बेटा है जिसका नाम भाई अभी तक नहीं सोचा है जिमी ने, पता नहीं क्या करने में लग रहा है, कब सोचेगा, जब बड़ा हो जाएगा तब उसका नाम निकालेंगे क्या। अभी तक के लिए तो भाई उसको जो नाम है वो छोटा डॉन रख रखा है,
मैं बता रहा हूँ भाई, ये जो जिमी है ना, ये अपने बेटे को बिगाड़ कर रख देगा। और भाई देखो भाई, वो रहा यार, इसको देखने के लिए जो ना माइकल तरस जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, माइकल दादा है। और अबे जिमी क्या बात होगी भाई। तो भाई अभी जो है ना, एक हंसी वाली बात है भाई, जो जिमी है ना, वो अपने बेटे को लेकर के गया था, मतलब छोटे डॉन को, एक रेस्टोरेंट के अंदर। अब भाई वहाँ जा करके जो है ना, छोटे डॉन को एक गाड़ी पसंद आ गई, और जिमी ये बोल रहा था कि भाई वो जो गाड़ी है ना, वो किसी अलग ही बंदे की है भाई। अबे जिमी नमूने इतना खाता रहता भाई साहब, चला भी नहीं जा रहा तेरे से, अभी लड़खड़ा रहा था भाई वहाँ पर। चलो छोड़ो। तो हाँ, ये जो छोटा डोन है गाइस, जिसको गाड़ी पसंद आ चुकी है, वो रेस्टोरेंट के अंदर खड़ी थी, पता नहीं वो गाड़ी किसी की है। चल भाई, चल आ जा, बात करते हैं। और गाइस, ये जो छोटा डोन है ना, ये इतना ज़्यादा ज़िद्दी है, बस मैं क्या बताऊँ गाइस, ये 2 घंटे से जिद पे जिद किया जा रहा है कि इसको वो गाड़ी चाहिए तो चाहिए, और जिमी समझाने की कोशिश भी कर रहा है। आ जा भाई, आ जा, देखते हैं गाइस कौन सी गाड़ी है। माइकल भाई सब दादा है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं सोचा उरुस को लेकर के चलते हैं, आराम से बैठ करके जाएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। मैं भी तो देखो भाई यार, अपने पास इतनी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तेरे बेटे को वो गाड़ियाँ पसंद नहीं आ रही हो। देखो तो सही, छछुंदर कैसे चल रहा है ये। अयो अयो, वाह भाई वाह, गेट भी खोल लिया। अबे भाई साहब, छोटी सी हाइट का है, उतना ज़्यादा वो है ना यार ये चालू। मैं बता रहा हूँ गाइस, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना भाई, ये जो है ना डोन बनता फिरेगा। मुझे लग रहा है कहीं लड़ाई लड़ूई निकल ले, क्या पता हमारे लिए आफत ही पैदा करते रहे। चलो फिलहाल के लिए गाइज, अभी उसी रेस्टोरेंट के अंदर निकलते हैं। इस रेस्टोरेंट के अंदर गाइज, यहाँ पर जो है छोटे डोन को वो गाड़ी पसंद आई थी। एक तो गाइज, यहाँ पर जो ना ये जिमी मेरे को पागल लगता है, क्योंकि भाई अभी से ही अपने बच्चे की हर एक जिद को पूरी कर रहा है। तो भाई अभी कर रहा है तो बाद में भाई प्रॉब्लम हो जाएगा इसको। चलो गाड़ी को यहाँ लगाते हैं, यही रेस्टोरेंट बता रहा है ये गुड बीन्स नाम से। यहाँ पर तो भाई मेरे को कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही है। और ये यार छोटा डोन गेट तो लगा दिया कर यार, भाई सब टोपा पहन कर रहता है यार हमेशा ही है। चलो सर्दियां तो पड़ भी नहीं रही हैं, फिलहाल के लिए अंदर की तरफ निकलते हैं। और मैं आ चुका हूँ सीधा। ओ भैया सॉरी सॉरी, क्या टक्कर लगी है यार। तुम भी आ जाओ यार अंदर की तरफ। यार यहाँ पर मेरे को कोई भी गाड़ी नहीं दिखी है, जिमी से बात करना पड़ेगा। अभी जिमी नमूने कोई गाड़ी है ही नहीं भाई यहाँ पर, इसको पसंद कौन सी आई थी। तो भाई जिमी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो ना, जब ये रेस्टोरेंट में आए थे ना खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी जस्ट हमारी गाड़ी के बिल्कुल फ्रंट में, लेकिन अभी वो गाड़ी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब या तो गाइज वो जो गाड़ी है ना, किसी कस्टमर की होगी, जो कि भाई वो लेकर के जा चुका है। एक सेकंड यार मैं बात करता हूँ। अगर वो गाड़ी इतनी मस्त थी ना, तो क्या पता यहाँ पर इन लोगों को पता हो। और ये देखो, ये बलास वाले भाई सब भिखारी कहीं के, कहीं ना कहीं तो आ ही जाते हैं यार। देखो तो सही, चोट देख रहे हो। अबे इतनी सारी गद्दियाँ खाली पड़ी हैं, लेकिन ये गरीबी मरेंगे। चलो छोड़ो अभी फिलहाल के लिए। ओए अंकल जी साइड तो हो जाओ यार, मैं किससे ये आंटी से बात करता हूँ। अबे बलास वाले बंदे यार, क्या हो रखा है, पत्थर की तरह खड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर इससे बात करता हूँ, इस लेडी से। तो भाई यहाँ पर ये जो लड़की, ये मेरे से बोल रही है कि सर रेस्टोरेंट के अंदर 100-200 लोग रोज आते हैं, अब भाई हर एक बंदे को तो नोटिस नहीं कर पाएंगे ना। तो ये बोल रही है कि हमारी बॉस से बात करने के लिए। चलो कोई नहीं, मैं इससे बॉस से बात कर लेता हूँ। यार ये जिमी नमूना इतना बेकार है, हर जिद पूरी कर रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। कुछ ना कुछ बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और आई थिंक ये रही गाइस इसके मैनेजर। तो भाई यहाँ पर मेरी इस मैनेजर से बात हो चुकी है, और ये लड़की मेरे से बोल रही है कि जिस बंदे की तुम तलाश में हो ना, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, और वो 2 घंटे पहले यहाँ पर आया था, खाना खूना खा कर चला गया है। और हाँ, वो जो बंदा है उसको गोल्फ खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं भी निकलता हूँ बाहर की तरफ, और देख रहे हो यहाँ पर कभी ना कभी तो भाई यहाँ पर आएंगे और खाना खा करके जाएंगे। लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बढ़िया खाना बनाते हैं लोग। आ जा भाई आ जा, वो बंदा गोल्फ कोर्स के अंदर है और गोल्फ खेल रहा होगा मेरे को लग रहा है। सीधी सी बात है, दिन का टाइम है तो वो करेगा ही क्या यार, अगर अमीर है तो गोल्फ ही खेलेगा। आ जा जिमी, जल्दी से आकर बैठे यार, जिमी का बेटा इतना चालू है भाई साहब, जिमी को बैठने नहीं दे रहा भाई, खुद ही जाके बैठ गया, बहुत चौड़ा है। चलो फिलहाल के लिए चलते हैं। पता नहीं कौन सी गाड़ी है, और ये डिग्गी किसने खुली छोड़ दी भाई पीछे की। भाई मुझे क्या लग रहा है, ये जो काम है ना, ये जरूर छोटा डोन के होंगे। भाई डिग्गी खुली छोड़ दी, और पता नहीं भाई ये और क्या क्या जिद करने वाला है जिमी से। ऐसे अगर करते रहेंगे ना, अगर इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी, तो भाई साहब फिर हम गैंगस्टर क्या बनेंगे, फिर तो बच्चे खिलाते रहेंगे हम तो। ओके गाइज, यहाँ पर गाड़ी को लेकर के मैं सीधा अभी पहुँच चुका हूँ गोल्फ कोर्स। और हाँ, गाड़ी को लेकर के जो ना, मैं सीधा अंदर की तरफ निकलने वाला हूँ। मेरे को ये देखना है कि ऐसी कौन सी गाड़ी है भाई। आगे की तरफ जो ना एक पार्किंग भी है, मैं यहाँ पर पहले आया हूँ तो भाई मेरे को हर एक रास्ते के बारे में पता है। ये रही वो पार्किंग, और यहाँ पर लगाते अपनी गाड़ी को। और एक सेकेंड जिमी मेरे से कुछ बोलना चाह रहा है। जिमी क्या बात होगी भाई, क्या 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 फड़फड़ा रहा है। ओ भाई साहब, गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है। अबे जिमी कहाँ पर है, और तू क्या बोल रहा है छोटा डोन। तो भाई साहब छोटा डोन जो है ना, ये भाई साहब बोल रहा है कि ये जो हरी कलर की गाड़ी है, ये इसको चाहिए, और ये वही गाड़ी है जो 2 घंटे पहले रेस्टोरेंट में थी।
भाई ये तो ठीक है, गाड़ी तो तेरे को चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी किस लिए है भाई? और ये मैरी वेदर वाली सिक्योरिटी है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। आई थिंक ये जो है ना इसी गाड़ी की सिक्योरिटी कर रहा है। भाई हट जाए यार, साइड हो जाए एक सेकेंड। चलो भाई इनसे बात करते हैं, गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है। तो भाई अभी मैंने इस बंदे से पूछा कि इस गाड़ी का मालिक कौन है, गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये बंदा बोल रहा है कि सर हमारे बॉस की गाड़ी है, और इनका जो बॉस है वो आगे की तरफ खड़ा हुआ है एक रेड सी बलियान में। बलियान में? चलो भाई चल के देखते हैं। रेड सा यहाँ पर तो अभी तक किसी ने भी नहीं पहना हुआ है। उससे बात करते हैं, वो जितने पैसे मांगेगा उसको हम देंगे, बस मेरे को वो गाड़ी चाहिए। आ जा जी मैं आ जा यार। ये भाई साहब मेरे को लगा था भाई यहाँ पर जो ना लेसर को मैं देखने के लिए जाऊँगा, लेकिन कुछ अलग ही सीन चल रहा है। रेड सा बलियान तो नहीं है, रेड सी एक जैकेट जर्सी पहनी हुई है रेड सी, यही बंदा लग रहा है मेरे को। इससे बात करते हैं, तो गोल्फ खेल रहा है यार। और भाई चाचा क्या हाल चाल है तेरे? अबे नमूने। तो भाई यहाँ पर मैं इस बंदे से बोल रहा हूँ कि सर देखिए, अगर आपको गाड़ी की $10 मिलियन चाहिए तो मैं $10 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भाई मैं कायो पैरेगो से इतना सारा पैसा लेकर के आया था। और ये बंदा बताऊँ क्या बोल रहा है, अपना पैसा रखो अपने पास और चुपचाप जो है ना भिखारी की तरह निकलो यहाँ से। इसने इतनी बड़ी बात बोली है भाई मेरे को। भाई भिखारी किसको बोल रहा है भाई, शक्ल नहीं देख रहा, माइकलू माइकल जानता वानता नहीं का। ये बंदा कौन है भाई? बेटा नमूना बना दूंगा मैं यहाँ पर जो ना, वायलेंस नहीं चाहता। लेकिन एक सेकंड, जिमी का बेटा है। जिमी बात सुन, अपने बेटे को लेकर थोड़ा बाहर की तरफ जा घुमाने के लिए, अपनी उरुस को लेकर के। ओके भाई लोग, यहाँ पर जिमी और जिमी का बेटा जा चुका है। मैंने उनको भेज दिया है, मैंने उससे कहा है कि थोड़ा बाहर की तरफ चला जा कहीं बर्गर की दुकान पर, या अपने बच्चे को टहलाने के लिए। हाँ भाई अब क्या बोल रहा था तू, जरा शक्ल देगा एक सेकंड। कितने बंदे यहाँ पर, सब पिटेंगे सबके सब, पहले तो तू ही पिटेगा। और हाँ भाई अभी जो है ना मैंने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी को बुला लिया, क्योंकि मैं जो है ना यहाँ पर, ओ ओ एक सेकंड, सिक्योरिटी आ भी गई क्या हेलीकॉप्टर से? भाई सब देखो हेलीकॉप्टर का छाया तो आ रही है, मतलब शेडो तो आ रही है, लेकिन भाई कैमरामैन नहीं आ पा रहा है। चलो कोई नहीं, अभी देख भाई देख, मेरी सिक्योरिटी आ चुकी है, तेरे को फाइनल मैं वार्निंग देता हूँ। अगर पैसा लेना है तो पैसा ले ले चुपचाप, और गाड़ी मेरे को दे दे। यार मेरे को लग ही रहा था यार ये बंदा नहीं मानने वाला। ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि जी जान तक कदम लगा ले, अगर तू मेरी सिक्योरिटी को मार देता है तो गाड़ी को ले जा। देख रहा मतलब इसकी बहस क्या मारूँ मैं। एक सेकंड तेरी ऐसी, सबसे पहले तू ही मारेगा भाई साहब, मेरे से पंगा लो। ओ एक सेकंड भाई साहब, मेरी आर्मी ने मारने स्टार्ट कर दिया। वो देखो भाई साहब ब्लास्ट में ब्लास्ट हो रहे हैं, अपने आप ही मरेंगे ये बंदे। मेरे को मारोगे, इतने बड़े हो गए, आराम से गाड़ी मांग रहा था ना वो। भाई साहब देखो तो सही यार, भाई हल्के वल्के में ले रहे हैं भाई मेरी आर्मी को, ये मतलब मेरी सिक्योरिटी को, समझ के रखा भाई। ओ भाई मार भी दिया, ओ आग लगा दी भाई उन्होंने तो। पर एक दो बंदे हो रहे हैं, लो भाई मेरे गन चलाने से पहले जो है ना मेरी आर्मी ने उनको भूत बना कर रख दिया भाई। ये देखो कैसे गोलियां चल रही हैं भाई साहब। अबे मर गया मर गया मर गया, अबे छोड़ दो यार इनकी भैंस की आंख मारूं। अबे भाई भाई भाई, भाई। अबे निकलो निकलो, तुम जाओ घर जाओ, अब तुम्हारा काम हो चुका है यार। इन्होंने तो रेल बना करके रख दी भाई। मैं सही बता रहा हूँ गाइस, मान गया यार अपनी सिक्योरिटी को, कुछ ही सेकंडों में मार दिया भाई इतने सारे। ये देखो बवाल मचा कर रख दिया। चलो भाई गाड़ी को लेकर के चलते हैं यार, आराम से प्यार से दे देता ना। मैं सही बता रहा हूँ, इसको मैं पैसे दे भी देता, क्योंकि मैं चाहता नहीं था भाई यहाँ पर लड़ाई दंगे करना। बाकी ये गाड़ी इतनी तगड़ी है, ये जैगवार की है, और मैं बंदों के ऊपर चढ़ा चढ़ा के इस गाड़ी को लेकर के जाने वाला हूँ। बेटा नहीं मानोगे तो ऐसे होगा भाई, बदमाश हूँ भाई, मतलब यार बदमाश बन चुके हैं भाई आजकल हम, ये समझते नहीं है भाई आजकल के लोग। चलो छोड़ो, लॉस एंडोस के नागरिकों को जो है ना मुझे लग रहा बताना पड़ेगा कि गाइस यहाँ का जो है ना बदमाश कौन है। अबे तुम्हारा काम हो चुका है, तुम चले जाओ यार, ये तो भाई साहब पब्लिक को ही डरा देंगे मेरे को लग रहा है। और लो अपना घर सामने की तरफ ही है, गोल्फ कोर्स पीछे, और मुझे लगा अपना घर बहुत ज़्यादा दूर है, अंदर की तरफ निकलते हैं। लेकिन एक सेकंड यार, ये जो है ना मेरे पीछे ना कर रहे हो ना, तो छोटा डोंट डर भर जाएगा। चलो आई थिंक गाइज वो जो हेलीकॉप्टर है वो जा चुका है, और मैं भी भाई यहाँ पर जो ना अपने घर के लिए लेके निकलता हूँ गाड़ी को। वो स्क्रैच तो नहीं लगे ना? स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। और भाई ये जो गाड़ी है ना, ये जेस्को से भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। जेस्को भी गाइस काफ़ी तगड़ी गाड़ी है, और ये वाली भी। भाई साहब अभी से ही छोटा डॉन इतनी ज़्यादा जिद करने लगा है, गाड़ी देख रहे हो कैसे खुल रही है, ये ईवन गाड़ी है भाई। चल भाई चल, तेरी गाड़ी आ चुकी है, अब तो खुश है ना भाई साहब? ये तो मरवा ही देगा मुझे लग रहा है। गाइस एक बार जो ना यहाँ पर ड्रामा देखो क्या चल रहा है। अब जिमी फोटो खींच रहा है इसके, और इसका डांस देखो, अभी छोटी सी उम्र में भाई ये डांस करने लगा है, ये कुछ और ही सीन करने वाला है। तो भाई मेरे को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है, लेसर की मेरे पास कॉल आई है, और लेसर मेरे को बुला रहा है सीधा हॉस्पिटल के अंदर। लेसर बोल रहा माइकल जल्दी से आ जा, मुझे तो लगा था भाई लेसर मर गया होगा यार, क्योंकि
क्योंकि हिटमैन ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। सीधी सी बात है भाई, प्रेसिडेंट है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर को गाइस यहाँ पर जो ना बुलाया गया होगा अलग अलग कंट्री से लेस्टर को बचाने के लिए। और फाइनली लेस्टर बच भी चुका है। बेटा हिटमैन तेरा जो प्लान है वो फेल हो चुका है, अब हिटमैन नहीं बचने का। एक बार भाई यहाँ पर जो ना लेस्टर का साथ मेरे को मिल जाए, हिटमैन क्या हिटमैन जैसे 100 बंदों को जो ना धूल चटा करके रख दूंगा। तो यार उस छोटे डोन के चक्कर में जो ना पूरा का पूरा दिन ही खराब जाने वाला था मेरे को तो लग रहा है। चलो मैं पहुंच चुका हूँ सीधा भी उसी हॉस्पिटल में। और सिक्योरिटी देखो भाई यहाँ पर, मुझे लग रहा है लेस्टर ने पूरा हॉस्पिटल ही खरीद लिया है। जब तक भाई लेस्टर इस हॉस्पिटल के अंदर है ना, तब तक भाई कोई अदर पेशेंट आई थिंक इसके अंदर नहीं जाने वाला है मेरे को लग रहा है। ऐसे मेरे को अभी पूरा पता नहीं है, आई थिंक नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं है यार, और भी यहाँ पर लोग हैं। चलो भाई यहाँ पर इसे बात करते हैं और देखते हैं। मुझे लगा था लेस्टर ने पूरा हॉस्पिटल ही खरीद लिया है क्योंकि उसका कुछ पता नहीं है यार, वो कुछ भी कर सकता है, वो प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर ये बंदा मेरे से बोल रहा है कि सर अगर आप प्रेसिडेंट की तलाश में हो तो सामने की तरफ जाकर लेफ्ट हो जाओ। तलाश में? अबे भाई क्यों मारना थोड़ी है। एक सेकंड भाई, यहाँ पर लेफ्ट तो आगे की तरफ भी है, लेकिन सबसे पहले इसी के अंदर चल के देख लेते हैं। और लो मैं सारे में ढूंढ रहा हूँ लेसर ही रहा, साथ के साथ यहाँ पर डॉक्टर भी है। लेसर तो भाई मेरे को जो है ना थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है भाई, इतने दिनों से हॉस्पिटल के अंदर है। और भाई फर्स्ट क्लास जो होते हैं ना डॉक्टर्स, वो गाइस इसको ठीक करने के लिए आए अलग अलग कंट्री से। तो भाई यहाँ पर लेसर ये बोल रहा है कि माइकल मेरी तबीयत तो ठीक हो चुकी है और मैं पूरा ठीक भी हो चुका हूँ, लेकिन जो अभी डॉक्टर्स लोग हैं वो गाइस लेसर को छुट्टी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं अभी एक हफ्ते का टाइम और लगेगा और लेसर पूरा ठीक हो जाएगा। लेसर ये बोल रहा है कि माइकल देख, अगर तू मेरा दोस्त है ना, अगर तू मेरे को सच्चा दोस्त मानता है तो तेरे को हिटमैन को आज के आज मारना पड़ेगा, आज के आज। और हाँ, हिटमैन को मार करके उसकी बॉडी मेरे पैरों में ला करके फेंक दियो। लेसर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है यार, वो हिटमैन है यार लेसर, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो भाई लेसर ये बोल रहा है कि माइकल अगर तू ये काम नहीं कर सकता है तो समझ लियो तेरी और मेरी दोस्ती यहीं की खत्म होती है। यार लेसर ऐसा कैसे बोल सकता है भाई तू, यार क्या किया जाएगा। इस लेसर का काम तो करना पड़ेगा। और हाँ, लेसर आग बबूला हो चुका है। लेसर ये बोल रहा है कि ऐसे कैसे मार सकता है भाई वो मेरे को, हिटमैन का बच्चा। और हाँ, ये बोल रहा है कि वो मेरे सामने चूहा है, चूहा, उसको लॉस सैंटोस ला करके दिखा, उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा सेकंडों में। चलो गाइज, अभी ये बोल रहा है कि अगर तेरे को सिक्योरिटी चाहिए, कितनी भी टाइट सिक्योरिटी, वो तू मेरे से ले जा और कर्नल से एक बार बात कर लियो, वो तेरे को प्रोवाइड कर देगा। और हाँ, अभी मैं मिलिट्री बेस के लिए लेकर निकल रहा हूँ अपनी बाइक को, क्योंकि लेसर बोल रहा है कि माइकल आज के आज मारना, आज के आज। और हाँ, क्या किया जाए फिर, यही काम कर सकते हैं। चलो मिलिट्री बेस के लिए लेके निकलते हैं अपनी बाइक को। और हाँ, मैं कर्नल से बोल दूँ, देख भाई कर्नल मेरे पास कोई और चारा नहीं है, अपनी सिक्योरिटी को मेरे साथ भेज। और हाँ, मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी तो भाई मेरे साथ है ही, जो भाई तबाही मचा देगी यार। चलो भाई निकलते हैं सीधा। तो भाई जैसे लेसर ने मेरे को बोला था कि मिलिट्री बेस के अंदर जाना है और मैं आ भी चुका हूँ, अभी मेरे को यहाँ से लेफ्ट की तरफ लेना है। और देख रहे हो सिक्योरिटी, देख रहे हो जब से भाई साहब लेस्टर के ऊपर अटैक हुआ ना, सिक्योरिटी हर जगह बढ़ा दी गई है। और ये रहा यहाँ पर कर्नल, इससे बात करते हैं। और मैं बोलता हूँ कि मेरे को अभी लेस्टर ने भेजा है, और लेस्टर ने गाइज आई थिंक इसके पास कॉल करी दी होगी, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट है भाई, वो उसकी बात थोड़ी टालेगा गाइज ये। तो भाई कर्नल तो मेरे से बोल रहा है कि माइकल मेरी टीम पूरी रेडी है, तू बस अपने दोस्तों को बुला ले। और हाँ भाई, अभी जो है ना मैं फ्रैंकलिन और ट्रेवर को बुलाने वाला हूँ, उनको भाई मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि मिलिट्री बेस के अंदर आ जाओ, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक वॉर होने वाली है मेरे और हिटमैन के बीच में। इसकी मैं सही बता रहा हूँ ऐसी की तैसी करके रख दूंगा। बेटा गेट खोलो जल्दी से। अबे गेट क्यों नहीं खोल ले भाई ये? तो भाई मुझे लग रहा है आई थिंक इस गेट से जाने ही नहीं है, यहाँ से चलते हैं। पता नहीं कहाँ पर ही कर्नल बोल रहा है कि इसकी आर्मी रेडी है। और ये देखो सारे हेलीकॉप्टर्स, टैंक सब रेडी है। और हाँ, अब जाते बस हमको अटैक करना है, वो भी कायो पैरिको के अंदर। लेसर इतना ज़्यादा गुस्से में है ना, लेसर तो भाई यही बोल रहा है मार के ही आना है, या भाई साहब हिटमैन को उसके पैरों पर ला करके फेंकना है। लेसर के हिम्मत देख रहे हो, हिटमैन की इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और लेसर की आंखों में जो है ना, मैंने भाई साहब एक आग देखी है भाई, बदले की आग। ओके भाई लोग, यहाँ पर फ्रैंकलिन तो आ चुका है, लेकिन अभी तक ट्रेवर का आता पता ही नहीं है। और ट्रेवर को मैंने कॉल तो कर दी थी, और ट्रेवर बोल भी रहा था कि वो पहुंच जाएगा टाइम से, लेकिन ट्रेवर आधा घंटा लेट है। और हाँ भाई, हम इतना जो ना वेट नहीं करने वाले हैं। चलो मैं निकलता हूँ, ट्रेवर अपना आ जाएगा। मैंने ट्रेवर को बता दिया कि ट्रेवर अगर हम ना मिलते हैं तो कायो पेरिको पहुँच जाओ डायरेक्ट ही। चलो भाई हमारा हेलीकॉप्टर भी रेडी हो चुका है, हेलीकॉप्टर को गाइस यहाँ पर मैं ही उड़ाने वाला हूँ, हमको कोई पायलट की जरूरत नहीं है, क्योंकि
ये जो जंग है ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। फालतू में पायलट मारा जाएगा, तो रेडी दो ना सारे के सारे। चलो भाई हमने उड़ान भर दी है। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर जो ना हर एक टीम रेडी है। और हाँ, ओ एक सेकंड, तुम्हारी भैंस की आंख, क्या पागल वोगल हो चुके हो भैया? मेरे हेलीकॉप्टर में अड़ा ही दिया था भाई उन्होंने तो। और हाँ दोस्तों, हमारे पास है अभी मेरी टीम और साथ के साथ मेरी सिक्योरिटी भी, तो आई थिंक हम कायो पैरिको के अंदर अटैक कर सकते हैं और उस हिटमैन को खचेड़ के लेकर के आएंगे, सीधा लेसर के पैरों में ला करके फेंक देंगे। लेसर ने भाई मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। लेसर ने भाई आप लोगों को पता होगा मेरे को एक ऐसी गाड़ी गिफ्ट करी थी जो भाई सब उसका तोड़ ही नहीं है यार उस गाड़ी का। तो भाई मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो करूँगा ही। इस बंदे को देख रहे हो, ये बंदा मरना चाह रहा है, इतनी तेज लाकर ठोक रहा है, अब क्या घुसाएगा क्या हेलीकॉप्टर के अंदर? तो भाई अभी मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के सीधा पहुंच चुका हूँ कायो पैरिको आइलैंड। और एक सेकंड रुक जाओ, वो आगे की तरफ याच किसकी है भाई इतनी बड़ी ब्लैक कलर की? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। फिलहाल के लिए अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड कराते हैं, और मेरे साथ आर्मी भी है तो इतनी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। साथ के साथ मेरी अपनी सिक्योरिटी है खुद की, तो आई थिंक हम हरा पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आराम से। चलो भाई बड़े प्यार से तुम्हारे भाई ने लैंड तो करा दिया है, और आ जा फ्रैंकलिन आराम से उतर जा। अभी इन बंदों को कुछ पता नहीं है कि उनके ऊपर क्या होने वाला है। ओए ये क्या करके मानेंगे भाई, ये देखो मैं क्या ठोकोगे क्या? आराम से ला के खड़ा कर दो यार। चलो भाई इनसे बात करते हैं। तो भाई साहब ये जो बंदा है ये मेरे से बोल रहा है कि सर अगर आपने 5 सेकंड के अंदर अंदर ये हमारा बेस खाली नहीं किया तो हमारी सिक्योरिटी आ जाएगी और आपको मार के भगाएगी। देख रहे हो मतलब चोर तो बहुत रहा ही है और उसको पता नहीं है मेरी आर्मी यहाँ पर रेडी है और साथ के साथ यहाँ पर मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी भी यहाँ पर आ चुकी है। फ्रैंकलिन तो रेडी है, और हाँ अब बारी आ चुकी है इनको कुत्ता बनाने की। तुम मारोगे बेटा हमको, इतने बड़े हो गए, मारो इनको, सबको मार दो भाई सबको। तुम्हारी भैंस की आंख, मारो मारो भाई मारो। अब भाई सब हिलाकर, ओ एक सेकंड भाई ब्लास्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले। और मेरी सिक्योरिटी कहाँ पर है भैया? यहाँ पर गाइस काफ़ी सारे बंदे हैं और सबको मारने वाले हैं भाई हम। हमारी सिक्योरिटी गाइस बोरी ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, सबके सब मरोगे भाई सबके सब। और हाँ फ्रैंकलिन गाइस अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। और ट्रैवर का गाइस अभी कॉल आया था, ट्रैवर ये बोल रहा है कि माइकल मैं कायो पैरिको आ रहा हूँ, देख रहा हूँ मतलब आ जा। अबे कहाँ पर हो भैया, सब मर गए क्या? एक सेकंड, एक बंदा हो रहा गाइस, ये बंदा भी फाइनली जा चुका है। और हाँ मैंने अपनी आर्मी से ये बोल रखा है कि आराम से अटैक करना, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए टॉमी को कि हम आ चुके हैं। एक टाइम पर उनको पता तो चल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गाइस यहाँ पर जो ना हम छुप करके जाएं। और मर गए क्या सारे बंदे? आई थिंक मार जा चुके हैं। और हाँ फ्रैंकलिन जल्दी से आ गाइस, अब टाइम आ चुका है गाड़ी के अंदर बैठ करके टॉमी को मारने का, साथ के साथ हिटमैन को भी। फ्रैंकलिन तू मेरे साथ चल, मेरी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर संभाल लेगी। फ्रैंकलिन जल्दी आ, जल्दी जल्दी यार, इतना टाइम नहीं है। देख रहे हो मतलब सारे बंदों को जो है ना हमने सुजा कर रख दिया है। फ्रैंकलिन की भी गाइस यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलो हम फिलहाल के लिए निकलते हैं आगे की तरफ। और हाँ आज के आज हम हिटमैन को मारेंगे। हिटमैन को तो भाई मैं यहाँ पर जो है ना चुनौती देकर आया था, और लेसर ने भाई मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में डाल दिया मेरे को लग रहा है। लेकिन अपने दोस्त के लिए गाइस इतना तो करना बनता ही है। और हाँ भाई वो दोस्त नहीं है, वो भाई अपनी फैमिली है यार। लेसर अपना जिगरी यार है यार, उसको ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। चलो ओ ब्लास्ट हो रहे हैं भाई पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले। अगर बीच में कोई बंदा मिलता है सुझाएंगे भाई, मारेंगे बहुत ज़्यादा। तो गाइस आप लोग यहाँ पर फ्रैंकलिन को देखो, फ्रैंकलिन ये बोल रहा है कि माइकल आगे जाना है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। अबे फ्रैंकलिन तू क्यों डर रहा है यार? मेरे को लग रहा है गाइस मेरे को खुद ही जाना पड़ेगा, फ्रैंकलिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे भाई मेरे साथ मेरे सिक्योरिटी तो है ही, चलो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बाकी आई थिंक यहाँ पर कोई है भी, वो दरवाजे तो अपने आप ही खुल चुके हैं, दूर की तरफ मेरे को सिक्योरिटी दिख चुकी है। और हाँ आराम से फ्रैंकलिन अब तो आ जा यार, ये पागल हो चुका है मुझे लग रहा है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर फ्रैंकलिन आ चुका, और फ्रैंकलिन ने यहाँ पर मारना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ यार? ओ भाई लो अपनी आर्मी यहाँ पर अपने आप मार देगी यार, मतलब अपनी सिक्योरिटी। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, यहाँ पर बस हम जो है ना खड़े होकर के तमाशा देखेंगे। तुम्हारी ऐसी तैसी। चलो भाई मैं भी जो है ना थोड़े बहुतों को मार देता हूँ यार, पूरा आर्मी पे क्यों ही डिपेंडेंट रहूँ। और अंकल जी शक्ल तो दिखा दो। चलो भैया आपकी ऐसी तैसी कर दिया, और कहाँ पर है फ्रैंकलिन? अपने आप मार देगी यार मेरी आर्मी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चलो बेटा चलो हवा खाओ यहाँ से। और ये देखो भाई साहब कितनी बुरी तरीके से मार रही यार। आ जा फ्रैंकलिन अंदर की तरफ आ बेटा, गेट खोलो। अबे भाई साहब कैसे बुरी जला दे रही है भाई, ये तो इतनी बुरी तरीके से मारोगे क्या भाई? बंदा जल के राख हो रहा है यार तुम्हारे। बेटा बच जाता भाई, तालाब में कूद कर भाग जाता, लेकिन नहीं इसको मरना ही था। चलो मैं अंदर की तरफ निकलता हूँ, बाहर की तरफ मेरे बंदे संभाल लेंगे। और अंदर की तरफ भी मार दिए, वो क्या तेरी भैंसी तेजी मारूँ। एक सेकंड रुक जाओ यार,
एक बंदा हेरा भाई, चल यार मेरे लिए तो छोड़ दो भाई, फिर मजा क्या आएगा। अरे एक तो छोड़ो यार, ताकि हम भी जो है ना थोड़ा बहुत हाथापाई करें। और वो देखो वो खड़े हुए दोनों के दोनों, और हाँ मैं इनको जो है ना इतनी बुरी तरीके से मारने वाला, बेटा खड़े कैसे हो गए, मरना मरना चाह रहे हो क्या। दोनों के दोनों यहाँ पर जो ना मार जा चुके हैं। देख भाई देख, चुपचाप नमूने नमूने ज़्यादा जो है ना नेता मत बन फालतू में। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे बंदे मार जा चुके हैं। एक बोरा चलो भाई तू भी निकल यहाँ से, अपनी सिक्योरिटी पीछे की तरफ भी है। बेटा टॉमी और बेटा हिटलर, बेटा हिटमैन, चुपचाप मेरी बात सुन बेटा, गुद्दी नाप दो तेरी। अबे एक सेकंड, तेरी तो मरना वरना चाह रहा बेटा हिटमैन, यहीं के है मारूं यहीं की। एक सेकंड, इसने क्या बुलेट प्रूफ चीज पहनी हुई है। बेटा टॉमी चुपचाप बता उसने क्या पहना हुआ है और मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। वो मर नहीं रहा भाई बिल्कुल भी, उसने कुछ तो कुछ ऐसी चीज पहनी हुई है। और वो आज मैं भागने दूंगा टॉमी भाई, सब टॉमी मरने वाला। टॉमी तेरी ऐसी तेजी, टॉमी को भी गाइस यहाँ पर जो ना मैंने एक गोली मार दिया ताकि ये ना भाग पाए, दोस्त ही जाए भाड़ में। पहले अपने लैसे दोस्त को देखेंगे। एक सेकंड बेटा, ओ अच्छा बेटा मेरे को घूसा मारेगा तू, इतना बड़ा हो गया। अबे हिल भी तो नहीं रहा भाई ये बंदा। तो गाइस ये जो बंदा नहीं मेरे से हिल भी नहीं रहा है, लेकिन एक जुगाड़ है मेरे पास। मैं अपने साथ एक और गन लेके आया था जिसका नाम है रेगन। चल बेटा निकल, अब भी तो मारा भाई ये बंदा। गाइस ये जो गन है ना ये ऐसी गन है, ये लेजर वाली गन है भाई। और चलो चलो चलो, इसके बारे में तो मैं आपको बताना भूल ही गया था। चल 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 बेटा, खड़े तो ये ऐसे तेरे दादा की तरह। चलो भाई सबको मारा भाई, सबको जिंदा गाड़ करके रख दिया है। टॉमी भी भाई यहाँ पर बेहोश हो चुका है, साथ में हिटलर भी, मतलब हिटमैन भी। और फ्रैंकलिन कहाँ पर है यार, फ्रैंकलिन को बुलाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर लेजर वाली गन के सामने इनकी तो हालत जो है ना टाइट हो चुकी है। टॉमी को देखो, टॉमी बहुत ज़्यादा डर चुका है। टॉमी ये बोला क्या, माइकल तेरे को कायो पैरे को चाहिए तो कायो पैरे को ले ले, लेकिन मेरे को वापस जाने दे। टॉमी तूने जो ना हिटमैन का साथ दिया है, नहीं नहीं इसको मारूंगा नहीं मैं, इसको लेकर के जाऊंगा सीधा भी लेस्टर के पास। यहाँ पर फ्रैंकलिन भी अपना आ चुका, फ्रैंकलिन की हालत देखो, फ्रैंकलिन ने अपना पूरा साथ दिया है। लेकिन मेरे को एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर ट्रेवर क्यों नहीं आया यार। ट्रेवर मेरे से खुद कॉल करके बोला था कि माइकल मैं टाइम से पहुँचूँगा यार। चलो कोई नहीं, वैसे हमने यहाँ पर अपना काम कर दिया है। गाइज आप लोग मेरे को बताओ कि यहाँ पर टॉमी को छोड़ दूँ या इसको भी गाइज लगे हथ तो सुजा करके रख दें। हिटमैन तो गाइज यहाँ पर अपने काम में आ चुका है। अगर आज फ्रैंकलिन ना होता ना, मैं से बता रहा हूँ मैं अकेला पड़ जाता यार आज तो। अच्छा लोग आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस रखता है। आई होप वीडियो को अच्छी लगे, अच्छी लगे देना चैनल पर नहीं तो सर लेना। मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, मैं से बात करने के लिए आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड से मैं ऑनलाइन रहता हूँ। और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.